हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही खस्ता करारे कचौरी की रेसिपी। ये कचौरियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती हैं और बनाने में बहुत ही आसान होती है, तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा जिससे रोटियाँ बनाते हैं। इसमें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हथेलियों से रगड़ते हुए डालेंगे जिससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसमें मोयन के लिए हम घी डाल रहे हैं, तो घी को हमें मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, घी हमने मेल्ट कर लिया है। आटे का 1/4 हिस्सा हमें घी डालना होता है। ये गेहूं के आटे का हम कचौरी बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑयल नहीं डालिएगा, घी ही डालिएगा। घी डालने से बहुत ही खस्ता और करारी बनेगी और मोयन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मोयन अच्छे से देंगे तभी हमारी कचौरी खस्ता बनेगी। तो यहाँ देखिए, हमने अच्छे से आटे को रगड़ते हुए मसलते हुए घी को सब तरह से मिला लिया है और घी की क्वांटिटी भी अच्छी डाली है। अब थोड़ा सा आटा हम हाथों में लेकर के मुट्ठी बनाएंगे, तो ये देखिए आटा बैंड हो रहा है। जब इस तरीके से आटा बैंड होने लगे, इसका लड्डू बनने लगे, तो समझ जाइए कि बिल्कुल परफेक्ट मोयन है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हमें लचीला सा डो तैयार करना है। जिस तरीके से हम रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी गूंथ लेना है। कचौरी के लिए आटे को हमें सख्त नहीं गूंथना है। अगर आटा हम सख्त गूंथ देंगे तो फिर जब हम इसकी कचौरी बना करके फ्राई करेंगे ना, तो उनके खुलने का डर रहेगा, इसलिए आटे को लचीला ही बनाना है। तो यहाँ पे आटा इकट्ठा हो गया, चलिए इसको गूंथ लेते हैं, इससे यह सॉफ्ट हो जाएगा। आटे को हमें ढक कर के रख देना है रेस्ट के लिए, जिससे ये फूल जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। अब चलिए आलू की फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने मीडियम साइज के 4-5 आलू ले लिए हैं। आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है, तो हाथों से दबाते हुए इसे बढ़िया से तोड़ लेंगे। आलू के बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छे से हमें तोड़ना है। तो देखिए, आलू को हमने तोड़ लिया है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच कलौंजी और 2 चुटकी हींग, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा इन्हें हम भून लेंगे। अब इसमें हम उबले और मैश किए हुए आलूओं को डाल देंगे। इन्हें ऑयल में थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच गरम मसाला और कूटी हुई धनिया सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं। धनिया और सौंफ को हमने दरदरा सा कूट लिया है। हलवाई इसी मसाले को डालते हैं, जिससे उनका आलू का मसाला बहुत ही अच्छा तैयार होता है। मसाले में अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, तो यहाँ पे हम 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच खाने का नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही चटपटा सा हमारा फिलिंग बन के तैयार होगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि ठंडे होने के बाद समोसे और कचौरियाँ हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि आलू का मसाला अच्छे से भुना नहीं होता है, आलू में नमी होती है। इसके लिए हम यहाँ पे 2-3 चम्मच बेसन डालेंगे। ये भुना हुआ बेसन है, बेसन को हमने भून के पहले ही से रखा था। इसे आलू में डाल देंगे तो आलू का टेस्ट तो अच्छा होगा ही, ये नमी को भी अपने अंदर खींच लेगा और जो मसाला हमारा आलू का बनेगा, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। अब आलू के मसाले को हमें भून लेना है लगभग 10 मिनट तक। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। इस तरह से आलू का मसाला बनाएंगे ना, तो जो हमारी कचौरी बनेगी वो सॉफ्ट नहीं पड़ेगी, लंबे समय तक करारी बनी रहेगी, खस्तादार रहेगी। तो लीजिए, आलू का मसाला भून गया है। इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और अभी हमने फ्लेम को ऑफ नहीं किया है। इसे भी हमें आलू के संग अच्छे से भून लेना है, इससे आलू के मसाले में खुशबू अच्छी आएगी और भून देंगे तो जो धनिया की पत्ती की नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से आलू का मसाला बनके तैयार है। अब इसको उतार के रख देंगे ठंडा होने के लिए। और दूसरी साइड में हमारा आटा भी अच्छे से फूल गया है। अब इसे एक बार फिर से हम मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ लीजिए, आटा हमारा तैयार है। अब इसकी हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी हैं। ये देखिए, इसको हम हथेली से रगड़ते हुए चिकना करेंगे और एक बॉल बनाएंगे। अब दोनों अंगूठों को बीच में रखते हुए उंगलियों से घुमाते हुए कटोरी नुमा इसकी चकली बनाएंगे। अब 1-1 चम्मच आलू की फिलिंग ऐड करेंगे और इसे नीचे के साइड से थोड़ा सा दबाते हुए प्रेस करेंगे।
अब आटे को घुमाते हुए हमें इसे बंद कर लेना है। तो फिलिंग को अंदर डालते जाएंगे और ऊपर से उंगलियों के बीच में इसको आटे को दबाते हुए हम बंद करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बंद हो जाएगा। अब ऊपर वाले इस बचे हुए हिस्से को हम उसी में अंगूठे से प्रेस करके दबा देंगे और थोड़ा सा अंगूठे से दबाते हुए इसको बड़ा करेंगे। कचौरी को हमें बीच में दबाना है, किनारे से बिल्कुल भी नहीं दबाना है, वरना ये फूलेंगी नहीं। इस तरह से सारे मसाले पूरी जगह में फैल जाएंगे। चलिए एक और कचौरी बना के देख लेते हैं। उसके लिए फिर से हम सेम साइज़ का आटा लेंगे, इसको हथेलियों से रगड़ते हुए इसका बॉल बनाएंगे, इसे चपटा करेंगे और अंगूठे को बीच में रखते हुए घुमाएंगे, तो इस तरीके से बिल्कुल कटोरी नुमा चकली बन के तैयार होगी। किनारों से हमें आटे को दबाते जाना है, नीचे के साइड में ज़्यादा आटा रहेगा यानी कि नीचे से वो मोटा रहेगा ऊपर से पतला। अब एक एक चम्मच फिलिंग रखेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। आप चाहें तो इसे बंद करने के लिए इस तरह से दोनों किनारों को पकड़ के दबा दीजिए और फिर बीच से दबाइए। ये देखिए पूरी तरीके से ये अच्छे से बंद हो गया है। अब जो आटे का ऊपर वाला हिस्सा बचा है इसको उसी में मिलाएंगे और अंगूठे से प्रेस करेंगे और फिर से देखिए इसको दबाते हुए हम बड़ा कर रहे हैं लेकिन किनारों को नहीं दबा रहे हैं। ये लीजिए हमारी कचौरी बन के तैयार है। तो देखा बहुत ही आसान तरीका है इसको बंद करने का। बंद बहुत अच्छे से करिएगा वरना फ्राई करते समय जब ये खुल जाएगा तो फिर ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और कचौरी फूलेगी भी नहीं। तो इसी तरीके से सारी कचौरी हम बना लेंगे। कचौरियाँ बन गई हैं, चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को सिर्फ गुनगुना करना है यानी कि बहुत ही हल्का सा गर्म करना है और फिर इसमें हम कचौरियाँ डाल देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें बबल्स बनने लगेंगे, लेकिन फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और जो हमने अंगूठे से दबाया था आटा ना उस हिस्से को नीचे रखना है। धीरे धीरे तैरते हुए कचौरियाँ ऊपर आ जाएंगी। जब एक बार कचौरियाँ तैरते हुए ऊपर आ जाएंगी तो इन्हें हम पलट देंगे। कचौरियों को तैर कर ऊपर आने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगा है क्योंकि फ्लेम को हमने बिल्कुल लो करके रखा है। तो एक बार ऑयल को गर्म होने में समय लगेगा और इन्हें तैर के ऊपर आने में भी। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखा है लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इसमें ज़्यादा बबल्स बनने लगे हैं क्योंकि धीरे धीरे से फिर ऑयल और भी ज़्यादा गर्म होता जाता है। और इन कचौरियों को हम थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते जाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिकें। तो यहाँ देखिए कचौरियाँ हमारी अच्छे से फूल गई हैं और ये इतनी फूल गई हैं कि ऊपर से क्रैक भी आ गया है। तो छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी कचौरियाँ बिल्कुल फूली फूली और खस्तादार बनेंगी। इन कचौरियों को हमें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बीच बीच में अगर आपको लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ कर दीजिए, उसके बाद फिर से ऑन कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो वरना ऊपर से इसके बबल्स बन जाएंगे और ये खस्तादार नहीं बनेगी। अभी यहाँ पे हल्के हल्के से इनमें कलर आने लगे हैं। जब इनमें हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो फ्लेम को हम मीडियम कर सकते हैं अगर हमें जल्दी हो इनको फ्राई करने की तो। और जब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे तो इन्हें हमें जल्दी जल्दी दोनों साइड से पलटना रहेगा ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए और इनमें एक तरह का कलर आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है कचौरियों में। अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि थोड़े से ठंडे होने के बाद इनका कलर अभी और डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए देखने से लग रहा है ना कितनी खस्तादार बनी है। इन्हें फ्राई करने में समय लगता है लेकिन उसी की वजह से ये बहुत ही खस्तादार बन के तैयार होती हैं। तो चलिए इन्हें तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए कितने खस्तादार बने हैं और पूरी तरीके से आलू की फिलिंग से भरे हुए हैं। इनकी परतें नज़र आ रही हैं, ये खस्ता होने की वजह से परतें नज़र आ रही हैं, जबकि इनको बनाने के लिए हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मैदे का भी बना सकते हैं लेकिन अगर गेहूं के आटे का बनाइएगा तो मोवन अच्छे से दीजिएगा तभी ये बहुत ही करारी और खस्तादार बनेगी। और लंबे समय तक खस्तादार रखने के लिए आलू की फिलिंग को अच्छे से भुनिएगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो ज़्यादा देर तक ये करारी बनी रहेगी, खस्तादार रहेगी। गेहूं के आटे की इस खस्ता कचौरी को हमने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना बताया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप भी इस तरीके से अपने घर में बहुत ही आसानी से गेहूँ के आटे का ये खस्ता कचौरी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।